ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमको बताएंगे सनातन धर्म के बारे में 9 ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे पर मेरे ख्याल से शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा जाने जिसे आप चौंकें, मगर सुने जरूर। हिंदुत्व, सनातन धर्म, धर्म एक, नाम अनेक। इस धर्म के बारे में आज हम कुछ अनजानी बातें विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने हिंदुत्व या सनातन धर्म के बारे में वे चीजें जो शायद आप नहीं जानते होंगे रखने की कोशिश करूंगा। शब्द हिंदुत्व या हिंदुइज्म का धर्म के मतलब से कोई नाता नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि हिंदू शब्द दूसरे देश वालों ने भारतीयों को दे रखा है। सिंधु नदी की वजह से नाम पड़ा हिंदू। दूसरा, सनातन धर्म की सबसे प्राचीन किताबें हैं। सबसे प्राचीन किताब ऋग्वेद में करीब 33 देवी देवताओं का नाम दिया गया है, और उन 33 देवी देवताओं में शिव जी का कहीं वर्णन नहीं है, और उन 33 देवी देवताओं की ज्यादा पूजा नहीं की जाती है। हिंदुत्व को अपनाने वाले लोगों पर हिंदुत्व कभी थोपा नहीं गया है, यह आज तक का रिकॉर्ड है। सभी हिंदू या फिर जन्म से हिंदू हैं, या उन्होंने अपने मन से हिंदुत्व अपनाया है। अन्य धर्मों की तरह हिंदुत्व का कोई संस्थापक नहीं है, जैसे इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु हैं, वैसे हिंदू धर्म का संस्थापक का कोई वजूद नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल इंडो एशिया का अंगकोर वाट है। यह मंदिर बनवाया था दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं ने। दुनिया के इतिहास में पहली बार शादी की पद्धति हिंदुओं ने लागू की थी। जी हां, इस बात पर यकीन कीजिए, हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी धार्मिक ग्रंथ है। इसमें कुछ कुल मिलाकर 18 लाख शब्द हैं, और महाभारत दुनिया की सबसे लंबी कविता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सभा है, और हर कुंभ मेले में करीब करीब 1.5 करोड़ लोग आते हैं, जो वेटिकन शहर और मक्का में आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गंगा नदी को सबसे शुद्ध नदी माना गया है, लेकिन सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में बताया गया है कि सबसे शुद्ध नदी सिंध और सरस्वती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।